तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक इंसान, सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान कांचा। जी हाँ दोस्तों, सनी दत्त बॉलीवुड के उन स्टारों में से एक है जो हमेशा से ही अपने स्वैग और पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं। सनी दत्त लगभग 4 दशकों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं और इन सालों में उन्होंने कई तरह के उतार चढ़ाव देखने के बाद भी संजय ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। संजय दत्त ने साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म रॉकी के साथ बॉलीवुड में अपनी शानदार शुरुआत की थी। बतौर हीरो ही नहीं, संजय दत्त को दर्शकों ने विलेन के किरदारों में भी खूब पसंद किया है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संजय दत्त की 10 बेहतरीन फिल्म और उन फिल्मों में निभाए गए 10 आइकॉनिक किरदारों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं उनके पहली फिल्म और पहले बेहतरीन किरदार की तरफ। नंबर 1, फिल्म रॉकी, किरदार रॉकी। दोस्तों, संजय दत्त ने साल 1981 में आई फिल्म रॉकी से बतौर हीरो के तौर पर अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और उनके इस फिल्म को डायरेक्ट किया था उनके पिता सुनील दत्त ने। इस फिल्म में संजय के साथ रीना रॉय, टीना मुनीम, अमजद खान, राखी, रंजीत, शक्ति कपूर और अरुणा ईरानी अहम भूमिका में नजर आए थे। फिल्म के टाइटल के हिसाब से संजय दत्त ने इस फिल्म रॉकी का ही किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके किरदार को दर्शकों ने बड़ा पसंद किया था। यह फिल्म संजय दत्त की मां नागेश की मौत के कुछ ही दिन बाद रिलीज हुई थी, हालांकि फिर भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। नंबर 2, फिल्म नाम, किरदार विक्की। दोस्तों, लगातार कई फ्लॉप फिल्म देने के बाद संजय दत्त को महेश भट्ट के निर्देशन में बनी क्राइम ड्रामा फिल्म नाम मिली। इस फिल्म में वो नितिन कुमार गौरव, पूनम ढिल्लो, अमृता सिंह और परेश रावल के साथ नजर आए। ये फिल्म संजय दत्त, परेश रावल और महेश भट्ट इन तीनों की ही करियर के लिए बहुत ही जरूरी थी। फिल्म में संजय दत्त ने विक्की कपूर का किरदार निभाया था जो रातों रात अमीर बनने के लिए गलत रास्ता अपनाता है। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों दोनों की ही तरफ से काफी पसंद किया गया था और इस फिल्म का मशहूर गाना चिट्ठी आई है आज भी हिंदी के सबसे लोकप्रिय गानों में शामिल है। नंबर 3, फिल्म साजन, किरदार अमन वर्मा। दोस्तों, संजय दत्त को तमाम फिल्मों की ऊंच नीच के बाद मौका मिला लॉरेंस डिसोज़ा के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में मुख्य किरदार निभाने का। संजय दत्त ने इस फिल्म में अमन वर्मा उर्फ सागर का किरदार निभाया था। इस फिल्म में संजय के साथ सलमान खान और माधुरी दीक्षित भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। संजय दत्त ने इस फिल्म में एक चैलेंजिंग किरदार को बखूबी निभाया था और इसके लिए उन्हें अपने करियर में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेशन किया गया था। नंबर 4, फिल्म खलनायक, किरदार बलराम राकेश प्रसाद उर्फ बल्लू। दोस्तों, संजय दत्त के लगातार दौड़ते करियर में उनके हाथ लगे सुभाष घई के निर्देशन में बनी ये फिल्म। संजय दत्त का नाम जब भी आता है तो लोगों के जहन में 2-3 किरदार जरूर आते हैं, जिसमें से इस फिल्म का किरदार बलराम राकेश प्रसाद और बल्लू भी शामिल है। बल्लू जो कि एक कुख्यात अपराधी है जिसको पकड़ने के लिए जैकी श्रॉफ का किरदार राम कोशिश करता है। शुरुआत में वह पकड़ा जाता है लेकिन ये चूहे बिल्ली का खेल तो पूरी फिल्म में ही चलता है। इस फिल्म में शानदार किरदार निभाने के लिए संजय दत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर अवार्ड से भी नॉमिनेशन किया गया था। नंबर 5, वास्तव द रियलिटी, किरदार रघु। दोस्तों, महेश मांजरेकर के निर्देशन में बनी इस एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म में संजय दत्त ने रघु का किरदार निभाया था। कहा जाता है कि यह फिल्म मुंबई की अंडरवर्ल्ड रन गैंगस्टर छोटा राजन के जीवन पर आधारित है। बेशक संजय दत्त ने ही वह भूमिका निभाई है और इतनी शानदार निभाई है कि जिसके लिए संजय को पहली बार सर्वश्रेष्ठ कलाकार के लिए फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया था। इस फिल्म में संजय दत्त के बोले गए कई डायलॉग आज भी बहुत लोकप्रिय है। संजय के अलावा इस फिल्म में नार्मिता सिडोरकर, परेश रावल, मोहनीश बैल, रीमा लागू, संजय नार्वेकर आदि कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आए। नंबर 6, फिल्म मिशन कश्मीर, किरदार इनायत खान। दोस्तों, संजय दत्त के करियर का ये सुनहरा युग था जिसमें वो लगातार हिट पर हिट फिल्म दिए जा रहे थे। इसी बीच विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में आई इस फिल्म में उन्होंने एक ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। फिल्म में संजय का किरदार इनायत खान का है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है जो जाने अनजाने में एक ऐसे परिवार को मार देता है जो कि निर्दोष था और अपनी इसी गलती का प्रायश्चित करने के लिए इनायत उस परिवार के बच्चे को गोद लेता है और इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए किरदार को लोगों ने बड़ा पसंद किया था। नंबर 7, फिल्म कांटे, किरदार जय रेहन उर्फ अज्जू। जिस साल संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म वास्तव द रियलिटी का सीक्वल हथियार रिलीज हुआ उसी साल रिलीज हुई संजय गुप्ता के निर्देशन में बनी यह फिल्म। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली, महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, नर्मिता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री और मालिका अरोड़ा मुख्य भूमिका में नजर आई। ये कहानी 6 ऐसी भारतीयों की है जिन्हें लॉस एंजेलिस पुलिस बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लेती है। फिर वो एक टीम बनाकर बैंक को लूटने की साजिश रचते हैं और इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए संजय को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के लिए फिल्मफेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। नंबर 8, फिल्म मुन्ना भाई MBBS, किरदार मुरली प्रसाद शर्मा उर्फ मुन्ना। दोस्तों, अब तक संजय दत्त विलेन और एक्शन हीरो के किरदार में ही मशहूर हुए थे लेकिन राजकुमार हिरानी की इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिला दिया। फिल्म में संजय ने मुरली प्रसाद शर्मा और मुन्ना भाई की भूमिका निभाई है।
मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी दर्शकों को इतनी पसंद आई कि आज भी इन पर खूब मीम्स बनते हैं। मुरली अपने घर से डॉक्टर बनने के लिए निकलता है, लेकिन मुंबई उसे मुन्ना भाई बना देती है। अपने पिता को खुश करने के लिए मुन्ना भाई एक मशहूर डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर तो नहीं बन पाता, लेकिन नैतिक रूप से एक अच्छा आदमी जरूर बन जाता है। फिल्म में संजय दत्त के साथ गैरसी सिंह, अरशद वारसी, सुनील दत्त, जिमी श्योर, गिलर बोमन ईरानी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। नंबर 9, फिल्म लग रहे हो मुन्ना भाई। किरदार मुन्ना भाई। पहली फिल्म की सफलता को देखते हुए राजकुमार हिरानी ने विधु विनोद चोपड़ा के साथ मुन्ना भाई MBBS का सीक्वल भी बना डाला। बेशक इस सीक्वल की आगे की कहानी है, लेकिन इसमें मुन्ना भाई का मिशन दादागिरी को छोड़कर गांधीगिरी को आगे बढ़ाने का है। मुन्ना भाई के कारण में लोगों को पहली फिल्म में बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुके थे, और निर्देशक ने उसके किरदार को कुछ नए रूपों को इस फिल्म में दिखाकर सर्वश्रेष्ठ कलाकार के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामांकन दिला दिया। इस फिल्म में संजय दत्त के साथ अरशद वारसी, बोमन ईरानी, विद्या बालन, दिया मिर्जा आदि कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। नंबर 10, फिल्म अग्निपथ। किरदार कांचा चीना। करण मल्होत्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लोग कांचा चीना के लिए ही याद करते हैं। कांचा का किरदार इस फिल्म में संजय दत्त ने निभाया था। यह फिल्म मुकुल आनंद के निर्देशन में बनी सन 1990 में आई अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म अग्निपथ का रीमेक है। हालांकि इसके निर्माताओं ने पुरानी फिल्म की कहानी में से कुछ किरदारों में हेरफेर किया है। कांचा एक बेईमान आदमी है जो कि मानवा पर राज करता है। बेशक वो इस फिल्म का विलेन है, लेकिन ये फिल्म दर्शकों को इस किरदार के लिए ही पसंद आई थी, जिसको संजय दत्त ने बखूबी निभाया था। संजय के अलावा इस फिल्म में ऋतिक रोशन, ऋषि कपूर, ओम पुरी, प्रियंका चोपड़ा, जरीना वहाब आदि मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।